नरसुल्तानगंज में भीमपुर ब्लॉक से मजदूरी करने गए आदिवासी युवकों को मजदूरी का पैसा मांगने पर पीटा गया और गंभीर चोट पहुंचाई गई, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम के नेतृत्व में मोहदा थाने में FIR दर्ज की गई, लेकिन दोषी लोगों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ज्ञापन के माध्यम से गिरफ्तारी की मांग की गई है। भैंसदेही ब्लॉक के किसान सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक होने के चलते नुकसान झेल रहे हैं, साथ ही सरकार से लगातार मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। बुधवार को भैंसदेही तहसील के अनेक ग्रामों के किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए SDM शैलेंद्र हनोतिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है और किसानों को सर्वे कराकर तत्काल राहत राशि और मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि भैंसदेही ब्लॉक में किसान सोयाबीन की फसल को लेकर चिंतित हैं। बारिश थम भी गई है, लेकिन अब सोयाबीन की फसल पर पीलो मोजेक से पूरी तरह से वो खराब हो गई है। ये पीला हो गया है, तो उन खराब फसलों का सर्वे करके हमारे किसान भाइयों को उचित मुआवजा सरकार के माध्यम से दिलाई जाए, उसके लिए हमने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही हमारे जो गरीब जनता है, आज उनको बिजली के बिल जो आ रहे हैं वो बहुत बढ़ चढ़ कर के आ रहे हैं इस महंगाई के दौर पे, तो हमने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया है सरकार से, क्योंकि ये सरकार की जवाबदारी बनती है कि आम जनता को वो राहत दिला। तो हमने ये मांग की है कि बिजली बिल की जो दरें हैं उनको कम की जाए और बिजली के बिल के बोझ से हमारे आम जनता को राहत दिलाई जाए। और दूसरी बात, जो हमारी लेड़दा घाट जो आशापुर और जो बैतूल रोड में हाईवे पे है, उसमें सैकड़ों एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कई बार हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी को हमने 12 तारीख को ज्ञापन दिया, निवेदन भी किया कि उस लेड़दा घाट की वो कटिंग को आप करवाइए, उसको मोड़ को सीधा करवाइए, ताकि एक्सीडेंट होने से बचे, जान माल की हानि इससे बचे, और जो लोग मृत्यु के काल में समा रहे वो ऐसा ना हो और जल्द ही लेड़दा घाट की कटिंग पूर्ण हो, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया। और दूसरा, जो अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे दलित आदिवासी वर्ग के ऊपर हो रहे हैं, तो इन अत्याचारों को रोकने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। और एक ऐसी शर्मसार करने वाली घटना हमारे नसरुल्लागंज में दामजीपुरा के कोरकू आदिवासी भाइयों को, दो युवक को इतना बेरहमी से एक दबंग व्यक्ति के द्वारा पीटा गया, नसरुल्लागंज के सेठ के द्वारा जो अनाज मिल का मालिक है, और वो घटना को किसी अन्य व्यक्ति को बताने पर उन दोनों युवाओं को जान से मारने की धमकी भी दी थी, तो वो दोनों डरे सहमे थे। मेरी उनसे बात हुई, फिर हमने थाने में उनके वो घटना की हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। तो हमने ज्ञापन देकर के जो नसरुल्लागंज के जो व्यापारी हैं जिन्होंने आदिवासियों के साथ अत्याचार किया, उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके उनके ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, और पूरे मध्य प्रदेश में और समाज में यह संदेश जाए कि कानून व्यवस्था जिंदा है, क्योंकि बड़े लोग कानून को अपने जेब में रख करके चलते हैं, ये ना।